आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 8 दिसंबर की श्रीमदान की रिकॉर्डिंग। परमात्मा पिता चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो प्रेम भाव है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो कि कल्याण करने की फीलिंग्स हैं और के प्रति, जो कि परमात्मा के जैसी हैं, वो कभी कम ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये कहना भी आसान है, लेकिन परमात्मा कहते हैं इससे आसान है कि अगर तुम अपने आप को मेरे बच्चा या मेरी रचना समझते हो। बच्चा मतलब कोई फिजिकल बच्चा नहीं, मैंने तुमको ज्ञान दिया तो तुम मेरे बच्चे हो गए, ज्ञान के बच्चे, नॉट फिजिकल बच्चे। तो तुम अगर मुझे फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर ये ताकत आ जाएगी कि तुम सब किसी को प्यार कर पाओगे, अगर तुम मेरी दृष्टि से देखते हो दोनों को। अगर अपनी दैहिक दृष्टि इन आंखों से देखोगे तो फिर क्रोध आएगा, हेट्रेड होगी, घृणा आएगी। लेकिन अगर तुम दैहिक दृष्टि को छोड़कर के तुम परमात्मा की दृष्टि से सारी दुनिया को देखते हो कि ये है कौन सब, ये सारे एक्टिंग करने के लिए सारी आत्माएं इस दुनिया में, और ये सारी की सारी आत्माएं यहाँ पर अपना रोल अदा कर रही है, हर एक को अपने कर्मों का फल मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, तो मुझे करना क्या है, चूज करना है मुझे कि मुझे विलन बनना है कि मुझे हीरो बनना है। किसका? परमात्मा का हीरो। परमात्मा की नज़र में ऊपर उठना है कि दुनिया की नज़र में ऊपर उठना है? दुनिया की नज़र में ऊपर उठना है तो मुझे गाली, बदला, रिवेंज लेना होगा। अगर मुझे परमात्मा की नज़र में ऊपर उठना है तो मुझे फॉरगिव और गुड विशेज रखनी पड़ेंगी और बेनेवोलेंट फीलिंग्स रखनी पड़ेंगी। देखें इसको विस्तार में। परमात्मा कहते हैं हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भवा। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी कि परमात्मा तो हर चीज में, कुत्ते में, बिल्ली में, हर गंदी जगह पर है, कचड़े में, कूड़े में, हाँ वहां भी भगवान है, अगर बोल दिया, अगर आपने सर्वव्यापी का मतलब वही हो गया ना। तो परमात्मा कहते हैं आपने मुझे गाली दी है, आपने मुझे जानवर के अंदर ठोक दिया, आपने मुझे मिट्टी के अंदर ठोक दिया, कंकड़ के अंदर ठोक दिया, लेकिन अपने आप को ऊंचा रखा। तो तुमने मुझे गाली करी, लेकिन मैं वहां पर रहता तो हूं नहीं, मैं उन चीजों में हूं नहीं। अगर मैं उन चीजों में होता तो आज दुनिया की हालत नहीं होती, भ्रष्टाचार ना होता, घर घर में झगड़े ना हो रहे होते। तो मैं हरि के अंदर नहीं हूं, मैं परम धाम में, ब्रह्मलोक में, निर्वाणा में रहता हूं, जहां तुम रहा करते थे, तुम नीचे आए हो, तुम्हें वापस लौटना है उसी जगह पर मैं भी रहता हूं। तो तुमने गालियां तो दी मुझे, लेकिन बाप ने क्या दिया? गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया। प्यार कैसे किया? परमात्मा ने हमें, भगवान ने हमें, अल्लाह ने हमें इल्म या ज्ञान, अपना सत्य परिचय दिया कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, कैसे दिखता हूं, आपको दिख रहा है यहां पर। तो उसी तरीके से वो प्रकाश है, उनका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है, अभोक्ता है, ना कभी जन्म लेते हैं, ना मरते हैं, ना कभी कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना कुछ भोगना है उनकी। तो परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे तो हर चीज़ों में डाल दिया, मेरी बेइज्जती करके, मैं फिर भी तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें ज्ञान दिया, तो फॉलो फादर कर, बाप समान बनो, परमात्मा के जैसे बनो, रहम दिल। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो उनके प्रति, चाहे वो कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई एकदम काला कोयले जैसी भी आत्मा अगर आपके सामने आके खड़ी हो जाए, शरीर का कालापन नहीं, अंदर का कालापन, मैलापन, गंदे संस्कार, बहुत ही गंदे, अहंकारी, क्रोधी के एक्सट्रीमिस्ट हो, उनको काला कह रहे हैं परमात्मा है। चमड़ी की बात नहीं है, पर शक्ल की बात नहीं है, अंदर आत्मा की हालत वैसी हो, बिहेवियर वैसे हो, संस्कार वैसे हो, भावनाएं वैसी हो, तो भी अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। ये तब हो पाएगा जब हमारे अंदर परमात्मा के साथ में कनेक्शन होगा और हमारे कर्म इतने अच्छे हो गए होंगे कि हमें दुआएं मिल रही हैं जिस कारण से हमें किसी के साथ में नफरत है ही नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि ब्रह्म कुमारी से सिखाया जाता है। स्टार्ट होता है हमारा, स्टार्ट होगा आपका नेगेटिव फीलिंग से, इम्प्योर फीलिंग से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से लेकर, और वहां से मूव करते करते आप कहां पहुंच जाएंगे? सबको समदृष्टि, दुआएं देने, प्यार देने वाले तक। ये एक जर्नी है, हजारों लाखों लोगों ने कर ली है ये। चाहे संबंधी क्या भी कहें, क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। क्योंकि अगर आपने सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखी, प्रेम की भावना रखी, और आपने जवाब नहीं दिया, आपने बदला नहीं लिया, आपने उनको
गलत नहीं कहा वापस लौट करके, तो परमात्मा कहते हैं आपके जो कार्मिक जो हिसाब किताब है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि विद्या से, ज्ञान से और परमात्मा से, योग लगाने से आता है, मैं उनसे जुड़ने से या उनसे का उनके साथ मेडिटेशन या उनको याद करने से आता है। बिना सहन शक्ति के आप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे, और कैसे चलना है उसके लिए आप ब्रह्म कुमारी जाइए। सहन शक्ति कैसे बढ़ती है, ये गुण कैसे आते हैं कि सबको प्यार कर पाओ, सब कुछ आपको वहाँ सिखाया जाता है निःशुल्क। इसके साथ ओम शांति।